को गोली मारी गई थी। इस घटना में पुलिस फिलहाल क्या कर रही है? कल ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जो टाउन थाना क्षेत्र के शीतल टोला मोहल्ले में हुई है। उसमें एक व्यक्ति की डेथ हुई है और उनके फादर अभी इलाजरत हैं। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन, इसमें FIR दर्ज कर लिया गया है और 6 लोगों पर नामजद प्राथमिकी इसमें दर्ज कराई गई है। जो इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आई है उससे ये स्पष्ट है कि पूर्व में भी इस किसी एक दूसरे पक्ष के लोगों के साथ विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट की घटना भी हुई थी और कुछ 2 दिन पहले उसमें उसके लिए FIR भी दर्ज किया गया था, जिसको लेकर ये आगे की घटना हुई है। इसमें पुलिस को काफ़ी सुराग भी मिला है और इसमें जल्दी ही सबकी गिरफ्तारी की जाएगी, इसके लिए छापेमारी चल रही है। सब पुलिस पर भी जो परिजन है वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें नगर थाना प्रभारी के सस्पेंशन की बात आ रही है। इसमें जो आरोप है इसकी जांच तो मैं कल ही आके उसमें स्वयं ही किया था, SP साहब भी उसमें सामने थे, तो उसमें कुछ हद तक जो चीज़ें हैं उसको मैंने अपने स्तर से जांच किया है। उसमें जो टाउन थाना अध्यक्ष है उसको लेके जांच के क्रम में ही उनको निलंबित भी किया गया है, तथा इसमें जो भी उस FIR में जो भी दोषी हैं या फिर उस इन्वेस्टिगेशन में जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। तो सर, लगातार जो घटनाएं बढ़ रही है, पुलिस के ऊपर भी दबाव है, पुलिस उद्भेदन भी कर रही है, लेकिन लोगों को नज़र में लग रहा है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। देखिए, जो घटनाएं हुई हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण हैं और जो घटनाओं का एनालाइज करेंगे तो उसमें देखेंगे कहीं ना कहीं आप एक विवाद बैकग्राउंड में विवाद कहीं रहा है जिसके कारण वो घटनाएं हुई हैं और वो कनेक्टेड भी नहीं है। क्रिमिनल हल्क इसमें अलग अलग हैं, बट उसी को लेकर मैंने आज समीक्षा बैठक भी की है सभी यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं, DSP हैं, कि फायरिंग की जो घटनाएं हैं उस पर कैसे रोक लगे, उस पर हम लोगों ने काफ़ी मंथन किया है और उस पर कार्रवाइयाँ आगे होंगी और ये घटनाएं इस तरह पर ताकि इस पर रोक लग सके। तो कुछ सर स्पेस अलग से कुछ दिया जाएगा सुझाव, या पुलिस प्रशासन जो लगातार जो घटनाएं हो रही उसको रोकने के लिए पुलिस बल अधिक लगाए जाएंगे या कुछ और? जो भी इसमें हम लोग को कार्य करने की आवश्यकता है इस पर हम लोगों ने अभी काफी मंथन भी किया है और वो आपको एक्टिविटी अब दिखने लगेंगे शहर में।